केंद्र सरकार द्वारा बजट घोषित करने से भाजपा में खुशी की लहर देखी जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं को मानो जैसे चुनावों के सामने संजीवनी मिल गई हो। यही कारण है कि बजट को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष रविंद्र परिहार और भाजपा नेता राजेश कश्यप ने वार्ता कर बजट का खुले दिल से स्वागत किया और कांग्रेस पर हल्ला बोला और कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है, लेकिन इस बार इनके पास विरोध करने के लिए कोई बड़े मुद्दे नहीं है। बजट की तारीफ करते हुए भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस बार ऐसा बजट पेश किया है जिससे भारत के सभी वर्गों को कुछ न कुछ जरूर मिला है। यही नहीं, आम जनता को टैक्स में भारी राहत मिली है, जिसके चलते सभी भारतवासी बेहद खुश हैं और भाजपा कार्यकर्ता भारी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार करने वाली कांग्रेस ना चाहते हुए भी इस बजट का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट जुमला नहीं हकीकत है, जिसका फायदा भारतवासियों को जल्द मिलेगा। विपक्ष तो विपक्ष है, उनका जो है क्रिटिसिज्म करना उनका राइट है, लेकिन ये जुमला नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि 31 मार्च से ये जो कल जो इंटरम बजट पेश किया गया वो हकीकत होने वाला है। जो है मिडिल क्लास के लिए 5 लाख रुपए का जो एक इनकम टैक्स में रिलीफ दिया गया है, और साथ ही साथ जो है जो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 40,000 से बढ़ा करके 50,000 की गई है। वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है मिडिल क्लास के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और दलित वर्गों के लिए भी जो है एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है। दलितों के लिए जो है एक जो पैसा जो दिया जाता था वो उसमें 35% जो है इंक्रीज़ किया गया है। गौरक्षा के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।